नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आरती। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से गुरुवार सुबह बेहद दर्दनाक खबर आई। यहां एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर स्कूल वैन और ट्रेन की टक्कर हो गई, जिसमें वैन ड्राइवर समेत 13 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 7 बच्चे घायल हुए हैं। ये घटना गुरुवार सुबह करीब 6:30 बजे की है, जब डिवाइन पब्लिक स्कूल की वैन बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। इस वैन में करीब 20 बच्चे सवार थे। जैसे ही वैन विष्णुपुरा थाने के ददुही रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंची, तभी वहां से गुजर रही थावे बढ़नी पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई। ट्रेन की टक्कर से वैन के परखच्चे उड़ गए। इस वैन में सवार सभी बच्चों की उम्र 10 साल से कम की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए तो देखा स्कूल वैन गड्ढे में गिरी हुई थी, जिसके बाद हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई। लोगों का आरोप है कि हादसे की जानकारी के बाद भी रेलवे का कोई अधिकारी 2.5 घंटे तक वहां नहीं पहुंचा। इस हादसे में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई वहां कोई गार्ड मौजूद नहीं था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया है और मारे गए बच्चों के परिजनों को 2 लाख मुआवजे की घोषणा की है। राज्य सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NMF न्यूज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।